सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए वैष्णो देवी। और भाई ये देखो भाई कितना मस्त मौसम हो रखा है। फिलहाल 1 बज रहे हैं और भाई बस मैं बिल्कुल भी ढंग से नींद नहीं आई। सभी अभी होटल में है और हम ऐसे ही घूम रहे थे बाहर, तो अभी होटल में जा रहे हैं। मम्मी सो गई, सब मस्ती कर रहे हैं। चढ़ाई किस टाइम करनी है? 5 बजे। इतने क्या करोगे तुम, सोओगे? जल्दी सो जाओ। तो गाइस होटल पे आने के बाद तो सीधा सो गए थे और अभी 6 बज रहे हैं, अभी चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। ओ भाई, तो गाइस शाम को चढ़ाई कर रहे हैं। रिया और दिशा तो आगे चल रही है और बाकी सभी पीछे। एंट्री आ गई है, यहाँ से पहले एंट्री करनी पड़ती है, लाइन में लग गया है। ये पकड़ा नहीं जा रहा तुमसे, पकड़ ले यश भाई, बंदर छीन के ले जाएंगे। चल पापा को दे दे। फाइनली एंटर कर गए। तो गाइस ना भाई मम्मी के लिए पालकी वगैरह ढूंढ रहे थे पर भाई यहाँ पे ना कोई भी चलने को एग्री नहीं हो रहा। गाइस ये देखो कितनी मस्त लोकेशन, पहाड़ों के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो गाइस चीनू और मैं पीछे रह गए हैं, हम उनको पकड़ेंगे। घोड़े पे बैठ गया। ओ भाग रहा है। ये देखो भाई वैष्णो देवी हमारी गैंग वाले भाई मिले हैं। और भाई कैसे हो, कहाँ से हो? वडोदरा। ये भाई घोड़ा ना बेलगाम है, भाग के जा रहा है, टक्कर मारता चल रहा है सबको। एक बार देख लियो रास्ते में, बस मेरे को डर लग रहा है कभी किसी की टक्कर ना मार दे। ओ भाई, ओए ओए भाई बच गए तुम। तो गाइस जिस घोड़े पे मैं बैठा हूँ तगड़े वाला घोड़ा है। जल्दी आजा, जल्दी आजा, बैठ जा। तो गाइस मेरे साथ ना भाई यश भी बैठ चुका है। ओ भाई यश ये घोड़ा ना भागता है भाई, ना पब्लिक के ऊपर चढ़ जाता है आराम से। ओ ओ अंकल जी, यार ये गलत बात है, पब्लिक के ऊपर चढ़ रहा है भाई। हट जाओ, ओए ओए हट जाओ। आंटी को दिख रहा है फिर भी आ रही है रास्ते में। सो गाइस फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच गया है। सो गाइस फिलहाल तो हम घोड़े से उतर चुके हैं और अभी ना भाई भावना वगैरह का वेट कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रही थी। उससे पीछे तो मम्मी पापा रिया ये सब बाकी है, सबसे पहले हम आगे। और सबको भूख लग रही है भाई। ओए ये रे भावना आ गई। सो गाइस देखो भाई रिया भावना और दीपांशी आ चुकी है। गाइस देखो भाई नॉन स्टॉप आया बिल्कुल ही, मम्मी वगैरह जितने ही बाकी बच गए ना सारे पीछे आराम से रुकते रुकते आ रहे हैं। बिल्कुल रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर से एक बार भी नहीं पूछी खाना खाओगे नहीं खाओगे। यश भी खा रहा है, तूने नहीं खाया, तेरे से भी नहीं पूछा। गाइस मेरे को और चीनू को छोड़ ही दिया, हमसे खाना ही नहीं पूछा। तो हमने भाई आगे जाके मैगी वगैरह सारी चीजें खाएंगे, किसी को भी नहीं देंगे। गाइस देखो भाई बहुत बड़ी लाइन लग रखी है। तो गाइस विक्की भी आ गया है, भाई की आवाज ही नहीं निकल रही भाई। बाकी सब का है, मम्मी पापा पीछे रह गए, ज्यादा पीछे है। तो गाइस बंटी भी आ गया, पापा भी आ गए, मम्मी थक गई। मम्मी की शक्ल देखो भाई, आराम करोगे चलोगे। फिर से चढ़ाई करने लगे हैं और इस बार ना 3 ग्रुप में टीम बटी है। एक तो हम है भाई दिशा यश चीनू और मैं, एक में भावना की टीम है और एक में मम्मी पापा है। तो अभी सारे मिलके जा रहे हैं सीधा वैष्णो देवी भवन पे। कैसे चल रहा है चीनू? तो गाइस फिलहाल 11:11 हो गया है। थक गया क्या चीनू? और नहीं चला जा रहा, तू भी थक गई। तो गाइस बस 1 किलोमीटर बाकी है। गाइस ये देखो भाई हम कितनी दूर से आए हैं। यार चीनू ना आगे पीछे भाग रहा था और गुम हो गया यार, मिल नहीं रहा भाई। एक छोटे बच्चे भागते हुए देखा था अभी। गाइस पीछे जाना पड़ रहा है वापस। 12 बज गया पूरे, चीनू गुम हो गया है। गाइस चीनू का फोन आया। हेलो चीनू कहाँ है तू, आगे क्यों भागा बिना बताए? अच्छा भवन पहुंचने वाले हमसे, तू भाग के आगे गया था क्या? गाइस अब जाके सांस आई, मैं ना भाई बहुत ज्यादा डर गया था चीनू के लिए। देखिए मजाक की बात नहीं है चीनू, हंस रहा है यार, क्यों भाग रहा है भाई आगे? अब ये वीडियो चाचा देखेंगे ना, चाचा तेरे वहीं प्रसाद देंगे। आपने फोन दिया, थैंक यू सो मच यार। मैक्सिमम बच्चे घूम जाते हैं, घूम जाते बच्चे मैक्सिमम 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन तक नहीं मिलते बच्चे। सो गाइस फाइनली सामने भवन है, देखो कैसे रास्ते। सो गाइस फाइनली पहुंच गए भवन के पास, देखिए यहाँ पे बैठी है बहुत देर से। सो गाइस ये देखो हमारे गैंग वाले भाई यहाँ पे मिले हमसे। हेलो मम्मा, 3 तारीख को निक्कू भैया जाएंगे, स्पेशली माता पे आए हैं आपके। ओ भाई थैंक यू सो मच। मम्मा निक्कू भैया, मैंने कहा नहीं, मम्मा उनके सिस्टर भी है, स्पेशली आपके लिए वैष्णो देवी आए हैं। तो गाइस ये देख लो भाई, स्पेशली मेरे लिए वैष्णो देवी आए हैं। कोई प्लान नहीं था वैसे वैष्णो देवी का, आपने बोला था ना 3 तारीख को वैष्णो देवी जाएंगे। भाई कितने लोग सो रहे हैं? तो गाइस सभी आ चुके हैं चढ़ाई करके, 3:30 बज गए हैं, 3-3 ताले लिए हैं। ना भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, लॉकर के लिए भी ना 1-1 घंटे की लाइन लग रही है, नहाने के लिए भी लाइन लग रही है, हर चीज के लिए लाइन लग रही है। अभी पापा को बोला है वो भी लाइन में लगे हुए हैं नहाने की, तो भी नहाने जा रहे हैं सीधा। भाई बहुत ज्यादा भीड़ है यार। भाई कैसे हैं? क्या नाम है आपका? आर्यन। भाई कैसे हो? कहाँ से हो? जम्मू से ही हो। तो गाइस ये सब तो नाली है, अभी हम सब नहा रहे हैं। यहाँ पर ना पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, चीनू सर जम जाएगा पूरा। ठंडे पानी में नहा के दिखाइए। सो गाइस पहले यश जा रहा है। गाइस यहाँ पर ना बर्फ जैसा पानी है ठंडा, मस्त ठंडा पानी है भाई। तो गाइस अब पापा जा रहे हैं, तो गाइस अब मैं जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा नहीं। एक फोटो जल्दी रखो भाई सामान। तो गाइस अभी लॉकर में सारा सामान रख रहे हैं, अभी जा रहे हैं भाई सीधा दर्शन करने। फोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। चलो गाइस चलते हैं, जय माता दी।
सो गाइस दर्शन तो कर लिए और भाई अभी खाना खाने आया है। गाइस ये देख लो सुबह सुबह डोसा खा रहे हैं। चौमिन भी मंगाई है इसने जो कि मैं खाने नहीं वाला। और गाइस मैंने मंगाई है दाल रोटी। सो गाइस मम्मी पापा रिया दिशा सब वापस होटल में चले गए हैं क्योंकि भाई सबके पैर में छाले पड़ गए थे, लाइन भी बहुत ज्यादा लंबी थी। तो गाइस मैं यश चीनू ना सबसे ऊपर वाले मंदिर पे जा रहे हैं तो रोपवे में जाएंगे ऐसे ऊपर। ये आ गया भाई, ये देखो भाई कितना मस्त व्यू आ रहा है ना। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए सबसे टॉप वाले मंदिर पे और भाई ये देखो यहाँ पे व्यू कितना मस्त है। इतनी तेज धूप है ना, बहुत मस्त लग रही है। देख चीनू पूरा भवन दिख रहा है यहाँ से, वहाँ की भीड़ भी दिख रही है, कितनी भीड़ है। चीनू देख यहाँ का भी व्यू बहुत ज्यादा मस्त है। तो गाइस ये देखो हेलीपैड भी है यहाँ पे, यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा। तो गाइस जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है ना व्यू और ज्यादा मस्त होता चला जा रहा है, यहाँ का और ज्यादा मस्त व्यू लग रहा है। तो गाइस अभी वापस जा रहे हैं। तो गाइस वापस नीचे आ गए हैं और गाइस यहाँ से ना होटल 12 किलोमीटर दूर है। गाइस ये देखो भाई ये बहुत रिस्की एरिया है, यहाँ पे लिख भी रखा है यहाँ पे पत्थर गिर जाते हैं, देखने में ना बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है ये और डरावना भी है बहुत ज्यादा। तो गाइस ये देखो भाई सचमुच का हिरण, ओ भाई हिरण है भाई, सभी फोटो खींच रहे हैं। ओए वहाँ पे चले वहाँ बैठे, डर लग रहा है। हेलीकॉप्टर भी आ गया। सो गाइस फिलहाल चीनू और मैं तो यहाँ पे बैठे हैं, नहीं और ऊपर नहीं जाना, सब गिर जाता है, पेड़ गिरा हुआ। तो गाइस फिलहाल ना 11 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और भाई कमाल की बात ये है कि मतलब शाम के 6 बजे के बाद से हमने चढ़ाई चालू करी थी। तो गाइस अभी तक हम में से कोई भी नहीं सोया। तू भी नहीं सोया ना? कोई भी नहीं सोया और पता नहीं हम चल कैसे रहे हैं, एनर्जी भी पूरी आ रही है। और गाइस जब से हमने कल से चढ़ाई चालू करी है ना कंफ्यूजन होती जा रही है। एक साथ मिलकर स्टार्ट करी थी 2:30 बजे के आसपास जाके पहुंचे थे भवन में, जो कि 10-11 बजे जाके पहुंचना था हमें। और भाई लेट होते होते ना भीड़ ज्यादा बढ़ गई, घर वगैरह नहाने वगैरह अपना हर जगह भीड़ बढ़ गई थी। गाइस इस चक्कर में ना मैं अगला दिन हो गया, नींद भी भाई बहुत ज्यादा आ रही है। नीचे खड़ा और मेरे को बार बार बुला रहा है, बार बार यहाँ पे आके वापस भाग जा रहा है पीछे। और गाइस सभी हमसे आगे चले गए, तो हमने ना भाई रेस बंद कर दिया, पहुंचना होता ना हम सबसे पहले पहुंच जाते और ना आराम से जा रहे हैं मस्ती करते करते और जाके सीधा सो जाएंगे होटल में। और गाइस मेरा ना भाई मन था हेलीकॉप्टर राइड करने का, 3-4 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है इसलिए भाई आ नहीं हो सकती। गाइस वैसे ना यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज्यादा लंबी है, मम्मी पापा के पैर में छाले पड़ गए, और जो चढ़ के जाने का मजा है ना उसके बाद दर्शन करने का मजा है वो काफी ज्यादा यूनिक है। बाकी चलते हैं जिनू, चल भाई पत्थर मत फेंक, आराम से आइयो गिर जाएगा। ओ भाई लकड़ी तोड़ दी, इसको रख, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। सॉरी नहीं, सॉरी ना, मैं नहीं मानना तेरी सॉरी। प्लीज प्लीज नहीं, पेड़ों को जितना लगाते हैं ना उतना सही रहता है, तू पेड़ों को तोड़ता क्यों है? पक्का ना? ये हमारे भाई मिले हैं हमसे यहाँ पे, क्या नाम है आपका? पूरे दिन देखता रहता है यार, पढ़ाई भी करा करो यार। तो गाइस फाइनली आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और भाई अभी ना घोड़ा ढूंढ रहे हैं, चीनू के पैर जवाब दे गया है, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। जल्दी होटल में जाके ना सो जाना है, फिर उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करने क्योंकि गाइस कल भी कहीं निकलना है। गाइस ये देखो चक्कर आ रहे हैं इनको, थोड़ा सा रह गया बस है ना। ओ भाई मस्त व्यू है। सो गाइस ये देखो भाई कितना मस्त व्यू है, ये ना लॉक कर रखा था, कभी कोई गिर जाए ऐसे पीछे हो जाओ ना, पूरा कटरा दिख रहा है। ये देखो भाई एक-एक बिल्डिंग दिख रही है सारी, साइड में पहाड़ भी दिख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना। गाइस हम सोच रहे हैं हम तीनों अलग अलग घोड़ा ले ले, ये शैतान नहीं करेगा तो क्या करोगे? आप बैठे हो, इसको प्रसाद कैसे दोगे? ऐसे गाइस चीनू चाहता है कि यश और चीनू साथ बैठ जाए और यश चाहता है कि भाई दोनों अलग अलग बैठ जाए। यश को डर है भाई ये गिरा देगा घोड़े, गिरा देगा। ओ भाई इसका ध्यान रखियो ना, घोड़े से गिरा देता है। सो गाइस अभी मस्त घोड़े पे मार्केट से जा रहे हैं, मस्त नींबू पानी पी रहे हैं। सो गाइस देखो कोई भी नहीं हट रहा, ऐसा लग रहा है ना पैर बिल्कुल सुन हो गए, पैर जाम हो गए घोड़े पे बैठे बैठे। सो गाइस हमने एग्जिट कर लिया है। तो भाई चढ़ाई पे बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ, कहाँ कहाँ से वहाँ पे गए थे और वहाँ से सीधा नीचे आए हैं। अंदर जब घुसते हैं ना दर्शन करने के लिए घुसते हैं, जो रास्तों में ट्रैकिंग में मजा आता है ना ट्रैकिंग करने वाले को पता चलता है। अभी सीधा होटल में जा रहे हैं क्योंकि गाइस मेरे को ना सुनना ही बंद हो गया, पता नहीं सोया नहीं मैं एक दिन से इसलिए हो रहा होगा। तो गाइस ये देखो भाई कितना प्यारा डॉगी कैसे हो रहा है जोजो की तरह। तो गाइस फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, आगे हम आपको वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, आप कैसे आए? तो गाइस मैंने ना भाई पापा मम्मी की अनाउंसमेंट भी करवा दी थी, आप कब आए? तो गाइस फिलहाल हम आ गए रूम में और गाइस कमाल हो गया भाई, मम्मी की ना चप्पल चोरी हो गई, मम्मी ना नंगे पैर आई है, पैर की हालत बहुत खराब हो गई, छाले पड़ गए थे पैर में, उसके बाद नंगे पैर भी आना पड़ा। और भाई इनको देख लो ये ना आते ही सो गए। और गाइस अभी फिलहाल हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या हुआ मैगी ऑर्डर नहीं हो रही? बोली नहीं जा रही। तो गाइस फिलहाल मेरी मैगी आ गई है, चीनू और यश की भी आ गई है, यश तो अभी सो चुका है, चीनू भी सोने की तैयारी बना रहा था, मैगी देख के उठ गया ये। अभी मैं खा रहा हूँ मैगी और गाइस मैगी खा के सीधा सोते हैं और उठने के बाद बात करते हैं आपसे। गाइस अभी 8:40 हो रखे हैं, चीनू और यश तो अभी भी सो रहे हैं। चीनू खड़ा हो जा भाई, मैं गुदगुदी कर दूंगा, खड़ा हो जाओ, गुदगुदी करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 यश भी नहीं खड़ा हो रहा, गुदगुदी कर उसके भी, जा जल्दी खड़ा हो, खाना खाने जाना है। फिर से सो गया, खड़ा हो, ये देखो बैठे बैठे ही सो गया। तो भाई जैसे घर पे जाएंगे ना प्लान बन जाएगा बरेली जाने का, ट्यूब को लेके ना भाई बरेली जाऊंगा, मानस से मिलवा के लाऊंगा, घोस्ट हंटिंग भी करके आएंगे बरेली में। अरे पहले ना देखो भाई रात का नजारा कैसा है वैष्णो देवी को, तो मस्त लग रहा है। क्या है? तो गाइस आज खाने में भाई दाल रोटी पालक पनीर भी है। सो गाइस खाना तो हमने खा लिया है, बाकी सारे ना होटल में चले गए हैं, मैं यश और चीनू बाकी है, चाट खा रहे हैं वैष्णो देवी की। कौन सी लेगा? नमक डाल दो। ओ भाई कितना डाल दिया, खा रहा हो गए तो अब क्या, खा रहा मत करना भाई। ये कह रहा है फायर पैन में क्या करते हो? पहले तू खा, डर क्यों रहा है गाइस? अब डर रहा है ये, वो देख कैसा हो गया, अब क्या करेगा गाइस? अब चीनू की बारी है, कितना बड़ा
वो भाई सारे निकाल दिया यार। मैंने भाई जोजो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तो जोजो से वीडियो कॉल किया अभी। जोजो जोजो भाई जोजो ना भाई बहुत ज्यादा मायूस हो रहा है, शिट्टू बता रहा है जाते से पहले जोजो से मिलेंगे। वो तो कैसे लेट गया जोजो, कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस अभी ना भाई भाई से बात हुई है होटल जाने की, अभी मस्त ऑटो चलाएंगे। चलाओगे? ओ भाई साहब यार पूरा ऑटो चलाने। सो गाइस फाइनली होटल के सामने आ गया, भाग भी गया देख सबसे पहले। सो गाइस ये देखो भाई ये तो अंताक्षरी खेल रहे सब। इतने पुराने गाने। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ रूम में, और गाइस अभी 3:30 बजे के आसपास टाइम हो रखा है। और गाइस ये देखो भाई सब सो चुके हैं। यश सपने में ही बड़बड़ा रहा है, कह रहा गोलगप्पे खाऊंगा एक। और भाई वैष्णो देवी में बहुत ज्यादा मजा आ गया। एक चीज है यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज्यादा थी, जो मैंने भाई 2 दिन हो गए, कल ना शाम के 6 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी, 2:30 बजे आके आज घर में पहुंचे हैं बिना रेस्ट किए, सारा टाइम निकाला। आते वक्त बस एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, जल्दी से भाई होटल रूम में चले जाओ, जाके आराम से सो जाओ, क्योंकि भाई नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, पैर भी बहुत ज्यादा दुख रहे थे, तो भाई इसलिए ना नॉन स्टॉप आने ही लग रहे थे। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे हमारे गैंग वाले भाई भी मिले, बाकी गाइस हम सबने तो चढ़ाई कर ली थी, बस मम्मी पापा को प्रॉब्लम आ रही थी, मम्मी की पालकिया घोड़ा वगैरह करवा रहे थे, पालकी वाले तो मिले नहीं, पर मम्मी ने मना कर दिया था घोड़े पे बैठने से, क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा डर रही थी भाई, इसलिए मम्मी के पैर में छाले पड़ गए थे। गाइस इसलिए आते वक्त मम्मी की ना कार करवाई थी। गाइस वैसे ना मैंने इसी बार घोड़ा लिया था, बाकी मैंने कभी भी घोड़ा नहीं लिया जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ। गाइस चीनू और यश ना बच्चे हैं अभी, इनके पैर छोटे छोटे हैं, पीछे रह जाते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी मैं एडिटिंग करूंगा, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।